हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज सुरबी और आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है फ्रॉम सारा पाटिल उन्होंने बताया था कि उनको बन का वीडियो चाहिए जो उन्होंने मेरे मम्मी के बर्थडे के ब्लॉग में देखा था मेरे मम्मी ने ऐसा बन किया था तो या मेरी मम्मी ने मेरे पे ही ट्राई किया है सो या विदाउट एनी फर्दर द ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो तो गाइज यहाँ पर uh, मैं एज अ ट्राई गर्ल क्या बोल सकते हैं जिसके ऊपर ट्राई होता है वैसे बने बैठी हूँ एंड मम्मी को फ्रेम में नहीं आना था बिकॉज शी वॉज नॉट वेरिंग गुड थिंग्स और वो घर के कपड़ों में थी इसलिए उनको नहीं आना था तो वो मेरे पर ही ट्राई कर रही थी एंड ट्राई इन देंस कि आपको बता रही थी कि कैसे बनाते हैं तो सबको ना जितना बड़ा ब, आ, हाई बन चाहिए उतना हाई पोनी आपको बांधना है सिंपल वे में बता सकती हूँ और मैं आज की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं रखने वाली आपको आराम से धीरे धीरे बताने वाली हूँ कि कैसे आप बन कर सक बन बना सकते हो और आपको सिर्फ इसमें दो चीज़ों की तीन चीज़ों की ज़रूरत है एक तो दो रबड़ और एक बन जो मिलता है या फिर आप डी डिया, डी करके भी बना सकते हो सॉक्स से एंड दूसरा आपको चाहिए हेयर पिंस जो कि बॉबी पिंस भी हो सकते हैं यू पिंस भी हो सकती है तो आपको चाहिए तो जैसे अभी देख रहे हो कि मुझे ज़्यादा हाई बन पसंद है मम्मी को भी हाई बन पसंद है तो मम्मी ने हाई पोनी बांधा है ठीक है फिर उसके बाद में जो मम्मी अभी लगा रही है इस इसको बोलते हैं डोनट डोनट जो मिलता है आप मार्केट्स से भी परचेस कर सकते हो टेन रुपीज़ में मिलता है बहुत इजी टू परचेज है और आप घर पे भी, भी बना सकते हो जैसे मैंने आपको सॉक्स के बारे में बोला है सॉक्स uh, को सिर्फ आपको जहाँ पे टोज़ एरिया होता है ना उसको कट करके बस रोल आउट करना है एंड आपका बन रेडी है अगर आपको सॉक्स नहीं ख़राब करना है तो आप रेडीमेड भी लेके आ सकते जैसे मेरी मम्मी रेडीमेड लेकर आई है टेन रुपीज़ या ट्वेंटी रुपीज़ में मिल जाता है कोई भी शॉप पे फिर आपको एक रबर लेना है कोई भी ले सकते हो आई विल प्रीफर नाईलॉन रबर ताकि वो आपके बालों को ज़्यादा ख़राब नहीं करता बट मेरे पास अभी था नहीं इसलिए मैंने ये रबर बैंड यूज़ किया है और ऐसे आपको जितना टाइट हो सके उतना टाइट आपको वो बन को बांधना है ताकि वो छूटे ना फिर अंदर आपको पुश करना है आपके बो के तरफ ताकि एक अच्छा सा शेप मिले डोनट का शेप मिल जाए ठीक है तो अब देख के आपने कैसे कर रही है मेरी मम्मी और दो सेक्शन करके जो भी बचा कुचा एरिया भी इसमें ना मेरे बाल छोटे बड़े हैं क्योंकि मेरा कट है तो स्टेप कट होने की रीज़न है इसकी वजह से मेरा बाल छोटा बड़ा है तो मेरा फ्लिक आउट हो जाता है बाहर बाल एंड ऊपर से स्ट्रेटनिंग भी है तो स्मूथ भी है तो ज़्यादा वो स्टे नहीं होता है तो जिनके बाल बहुत स्ट्रेट एंड होते हैं ना उनके लिए ये वाला हेयर स्टाइल बहुत बहुत अच्छा जाता है क्योंकि झंझटी नहीं होता है सही रोल आउट अभी मम्मी जो मम्मी ने जो बचा कुचा बाल है उसको रोल आउट करके वो अभी पिन पिनअप कर देगी ताकि मेरा जो रबर है वो ना दिखे तो हमेशा प्रेफर करो ब्लैक नायलॉन लगाना तो आपको ज़्यादा अच्छा बाल सूट करेगा इन बाल टूटेंगे भी नहीं ठीक है और मैं आजकल कुछ डी कर रही हूँ बहुत जल्दी अपडेट कर दूँगी मेरे बालों के लिए क्योंकि ये नेचुरल शाइन मार रहे है क्योंकि मैंने कुछ किया है आज बालों को एंड थोड़ा एक महीना और ट्राई करने के बाद में मैं अपलोड करने वाली हूँ कि मैंने क्या डी किया है तो दोनों तरफ़ से आपको पिनअप करना है बन को एंड uh, देख सकते हो हमारा बन रेडी है जो भी छोटे छोटे बाल हैं ना उसको आप पिन से लेके सिक्योर कर सकते हो बहुत इजी है बनाना खुद से भी बना सकते हो बट मैं बहुत बहुत, बहुत बड़ी ज़ीरो हूँ हेयर स्टाइल में मुझे सिर्फ़ बाल खुले रखना पसंद है तो या गई हो गया मेरा बन रेडी एंड ये आप लुक पार्टी मेकअप uh, पार्टी मेकअप करके ये वाला बन रेडी कर सकते हो एंड छोटे मोटा फंक्शन रहेगा तो भी आप कर सकते हो एंड आपको घर पे ही रहना है तो भी आप कर सकते हो तो गाइज़ कैसे लगी ये वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज जल्दी से बहुत सारी मेरी फैमिली बन जाए गाइज़ एंड कमेंट डाउन बाय गाइज़ थैंक यू